फॉरवर्ड ओके कॉल बैक फंक्शन। सो व्हाट सर कॉल बैक फंक्शन। यस कॉल बैक में क्या है? सर कॉल बैक फंक्शन कैसे काम करता है, वर्क करता है? अभी हमने ये जो देखा था इसमें सिर्फ फंक्शन का नेम था कॉल बैक, ठीक है, वो था नॉर्मली फंक्शन। अब जब कॉल बैक फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सो कौन सा फंक्शन देख रहे थे हम? ओके कंपोज फंक्शन देख रहे थे हम। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट बताओ मुझे। किसान इसका आउटपुट क्या आएगा? सर सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके विजिबल है? ये सब विजुअल है। ओके सो इसका आउटपुट क्या आएगा? सर 26 राइट। ओके लेट्स फाइंड आउट। यस सर डिफरेंट डिफरेंट सेवन आया पास है हुआ है ना। ना, सेवन। ठीक है सो 26 आएगा इसका। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रिड्यूस लिखूंगा सो क्या आएगा? किसन अब क्या आएगा इसका आंसर? अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। -4 आएगा, ठीक है। सो अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको बेसिकली क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बना रखे हैं, तीन फंक्शंस बना रखे हैं, एरो फंक्शंस, ठीक है, ऐड मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट। ये तीन फंक्शन है जिनको मैंने किसके अंदर रैप करके रखा है, एक कंपोज नेम के फंक्शन के अंदर। स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा है सभी ने? सर नो सर नो सर नहीं पड़े हैं। स्प्रेड स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा आपने? ओके सो पहले स्प्रेड ऑपरेटर देख लेते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है किशन, तुमने पढ़ रखा है स्प्रेड ऑपरेटर? नो सर। ओके सो तुमने भी नहीं पढ़ा स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। सो स्प्रेड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करता है?
एक्सपांड करता है आपके एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? आपके एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसको क्या करता है? एक्सपांड करता है और इटरेट करता है, जस्ट लाइक एन इटरेटर। सो अगर मैं देखूं एक एरे से एग्जांपल लेके चलूं, ये मेरे पास एक एरे है 1 2 3, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस एरे को मैं इस एरे की कॉपी बना लूं, ठीक है। तो बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर आपकी कॉपी भी बनाता है, ठीक है। अगर आपको ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो आप एक दूसरा एरे लेना चाहें, कंसोल डॉट लॉग arr1। वन टू थ्री आया। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा, फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू चेंज करते हैं 20, ये हो गया हमारा 20, ठीक है। बट अगर मैं arr को प्रिंट करूंगा तब क्या आएगा? 1 2 1 23 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट स्प्रेड ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर हम यूज करते हैं जब भी हमारे पास कुछ एलिमेंट होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू में हमें चेंज नहीं करना है, उसकी एक कॉपी बनानी है और उस कॉपी में चेंजेस करके फिर उसको रिप्लेस करना है। तो दैट्स व्हाई हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। और सेकंड जो मोस्ट यूजफुल यूज रहता है स्प्रेड ऑपरेटर का, वो रहता है इटरेशन और एक न्यू डेटा को स्टोर करना किसी भी एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगाया है और इंडेक्स से उसकी वैल्यू चेंज की है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसके लास्ट एलिमेंट में कुछ वैल्यूज ऐड हो जाए, तो अभी मेरे पास क्या है एरे के अंदर? सिर्फ 1 2 3 है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे लास्ट में जाके 4 5 ऐड हो जाए, और अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो आपको दिखेगा कि 1 2 3 4 5 पूरा आएगा। ये आ गया पूरा 1 2 3 4 5, ठीक है। सो क्या किया इसने, स्प्रेड ऑपरेटर ने पूरे एरे को स्प्रेड किया, अलग अलग हिस्सों में बांटा और जो न्यू वैल्यू थी उसे अपेंड कर दिया लास्ट में, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लूं ओबीजे करके, नेम इज इक्वल टू ये मेरे पास एक ओबीजे ऑब्जेक्ट है, ओबीजे वन करता हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर लगाऊंगा जो कि मेरे ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करेगा। और अगर मुझे कोई वैल्यू डालनी है तो वो मैं क्या कैसे करूंगा, सिटी दिल्ली, यस। ये जो ऑब्जेक्ट के पहले जो 3 डॉट लगा रहे हैं वो सिंटैक्स है कि मतलब ये आप सिंटैक्स है ऐसे स्प्रेड ही? स्प्रेड ऑपरेटर का। ये जो 3 डॉट्स रहते हैं यही है स्प्रेड ऑपरेटर हमारा, यही 3 डॉट्स हमारे ऑब्जेक्ट को या फिर एरे को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। अब सर, हमने ये अगर तो जो देख जो लिया। फोर फाइव लिखा है उसको अगर हम पहले कर रहे हैं तो हाँ, क्या हमारा कोड रन नहीं होगा? पहले करेंगे, मतलब हाँ, जो आप फोर चाहते हो फाइव फोर लिखा फाइव है। वन टू थ्री है? हाँ, 4 5 1 2 3 आए। चेक, चलिए पहले कॉपी बननी चाहिए आपकी, देन फिर आपका डेटा इंसर्ट होता है। सो 4.5 अगर मैं करूंगा यहाँ पे, तो so 4 5 1 2 3 ये आगे आ गया आपका। सर, यस सर।
ठीक है, तो अगर आप आगे लिखोगे तो आगे इंसर्ट होगा, ठीक पीछे लिखोगे तो पीछे इंसर्ट होगा। है। ओके, सो एरे और ऑब्जेक्शन में आया, स्प्रेड ऑपरेटर में क्या हो रहा है? यस ओके, सो अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम फंक्शंस का, ठीक है। सो बेसिकली होता यह है कि स्प्रेड ऑपरेटर हमारी जो वैल्यूज रहती हैं एलिमेंट्स की, उसको इटरेट करता है वन बाय वन। कैसे करता है ये देखते हैं। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस टाइम फंक्शंस का यूज करते हैं। एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, कॉन्स्ट नंबर, नंबर के अंदर हमारे नंबर्स रहेंगे जो कि एरे रहेगा 1, 2, 3। फंक्शन बनाऊंगा जिस फंक्शन का नेम रहेगा सम, सम एक्शन रहेगा नंबर सेवन है, a+c+c, ठीक है, a, b, c, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि पूरी वैल्यू एक साथ पास हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्प्रेड कर दूंगा। पहले तो मैं फंक्शन को कॉल कराऊंगा सम, फिर नंबर, सिक्स आ गया, तो यहाँ पे 1+2 3, 3+3 6, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट एरे पास करता है यहाँ पे, तब क्या रिजल्ट मिलता मुझे, 1 2 3 अनडिफाइंड अनडिफाइंड। क्या हुआ यहाँ पे पता है आपको? सर यहाँ पे इसने क्या किया, पूरी हेलो, के पूरा के पूरा एरे लेके गया, ठीक है, एक एक वैल्यू अलग। यस सर अभी स्क्रीन भी प्रॉपर विजिबल नहीं हो यस रही थी, ऑडियो भी प्रॉपर नहीं आ पा रहा सर, तो प्लीज रिपीट करेंगे। ओके फाइन, अब विजिबल है स्क्रीन? यस सर, कनेक्शन
ओके सो ये जो मेरा कोड है ये समझ में आया क्या है ये? नो सर, स्क्रीन इज ऑफ थी। ठीक है सो स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना है। ओके यस सर, यस सर। फाइन। सो मेरा टास्क यह है कि जितने एरे के एलिमेंट है इनको ऐड करे ठीक है और रिजल्ट ला के दे ठीक है। बट जब मैं एरे पूरा के पूरा पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरा आर्गुमेंट है वो क्या जा रहा है? एरे ही जा रहा है ठीक है। और जब मैं इसे रन करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास आता है 1 2 3 अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड क्यों आ रहा है मुझे रीजन दो। नहीं, नहीं एरर यहाँ पे फंक्शन, एरर फंक्शन पे मैं पास किया था। रिपीट करो। तो जो हमने एरर फंक्शन पे आर्गुमेंट पास किया था वो उसको मिल नहीं पा रहा है, वो कैच ही नहीं किया। ओके देखो तो एक्चुअली यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है? देखो पैरामीटर मेरे पास कितने हैं? ए बी सी, तीन पैरामीटर है ठीक है। आर्गुमेंट में कितने पास कर रहा हूँ? एक ही पास कर रहा हूँ नंबर ठीक दिस है वन जो कि क्या है? यस एरे है। जो कि क्या है? एक एरे है ठीक है। बी और सी मैंने पास नहीं किया दैट्स व्हाई बी और सी के लिए क्या दे रहा है मुझे अनडिफाइंड। अगर मैं बी और सी में भी एक दो आर्गुमेंट और पास करूं जो कि पैरामीटर बी और सी होल्ड कर ले तो मैं पास करता हूं 12 एंड 24। तो जब मैं ये पास करूंगा तो मुझे देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला। फर्स्ट तो उसने मेरा एरे प्रिंट कर दिया 1 2 3, फिर उसने क्या प्रिंट किया 12, फिर उसने क्या प्रिंट ठीक किया 24 ठीक है। अब यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे उसे प्रॉपरली पैरामीटर्स मिल चुके हैं ठीक है। अब हमारा टास्क क्या था कि हमें एरे की वैल्यूज को करना था। बट ये कैसे अचीव करेंगे हम जब हम हमारे एरे को स्प्रेड करेंगे अलग अलग एलिमेंट्स में। तो स्प्रेड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? स्प्रेड ऑपरेटर नंबर। अब आपका रिजल्ट क्या आएगा? 6 आएगा। अब इसने क्या किया स्प्रेड ऑपरेटर ने जितने भी एरे के एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। तो ए के अंदर क्या आ गया 1, बी के अंदर क्या आ गया 2, सी के अंदर क्या आ गया 3 ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू बनाऊंगा ए बी सी डी तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 6 आया, डी के अंदर कुछ भी नहीं गया। फोर्थ इंडेक्शन वैल्यू नहीं थी तो अनडिफाइंड क्यों नहीं दिया उसने? अब देगा ये नन क्योंकि यहाँ पे उसका यूज ही नहीं था। जब मैंने प्लस डी लिखा तो उसने नन दे दिया मुझे। ठीक है सन मैच स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? सर सर यस सर। ओके में सर 3 डॉट ही लगेंगे। हाँ ये उसका सिंटैक्स रहता है आपको 3 डॉट्स ही लगाने होंगे। ठीक ओके सो ये तो हो गया फर्स्ट यूज केस। अब देखो सेकंड यूज केस क्या होता है स्प्रेड ऑपरेटर का। ये आपको ना आगे बहुत काम आएगा अगर आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करोगे या फिर एरे के ऊपर वर्क करोगे ठीक है। तो ये मेरे दो एरे थे एरर 1, 2, 3 टू जिसके अंदर है आर आर। मैं करता हूँ एआरआर न्यू या फिर से न्यू एआरआर करूंगा।
क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास अगर मैं न्यू ARR को प्रिंट करूंगा तो? 159 and 3, व्हाट? 169 and 3। ठीक है, और अगर मैं ARR को प्रिंट करूंगा तो 1, 2, 3। 1, 2, 3 आएगा। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। वन सिक्सटी नाइन थ्री। क्या हुआ है यहाँ पे जो रिजल्ट इसने हमें चेंज करके दिया है? ये न्यू एरे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसमें हम एरे की कंप्लीट वैल्यू असाइन किया था, तो हाँ, अगर बाय चांस हम लोग न्यू एरे पे चेंजेस करते तो मैन एरे पे भी चेंजेस होंगे। यही हो रहा है, एक्चुअली यही हो रहा है। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एरे हम लोग डिक्लेयर किए हैं न्यू एरे पे, अब हाँ, बेसिकली यही होता है। अगर हम 10 स्टोर करते हैं और उसको किसी और वेरिएबल में चेंज करते हैं, सो क्या ए के अंदर अगर हमारा 10 है और बी के अंदर हमने ए की वैल्यू को स्टोर करा है, बी में अगर कुछ न्यू वैल्यू स्टोर करें, क्या ए की वैल्यू भी चेंज होगी? यस सर। हो जाएगी। तो ये आपका टास्क है कि ऐसा क्यों होता है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट या एरे के ऊपर काम करते हैं और उसे एक न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, तो वो एज अ कॉपी नहीं जाता, एज अ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जाता है। ठीक है, तो आप अगर किसी न्यू वेरिएबल में भी स्टोर करोगे तो मेमोरी एड्रेस होल्ड करके रखता है और मेमोरी एड्रेस से आपकी वैल्यूज को चेंज करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा वो है। तो ये आपका टास्क है कि आपको इसको पता लगाना है और डीप में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कल जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा सबसे पहले मैं यही पूछूंगा आपसे। ओके, क्लियर है ये? यस सर, यस सर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करो और इसकी एक कॉपी स्टोर करो। अब जब मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या होगा? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? स्प्रेड ऑपरेटर दो चीजों के लिए यूज में आता है, फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड कॉपी बनाने में। ठीक है, ऑब्जेक्ट की, एरे की। अब जब मैंने इसकी कॉपी बना ली है, सो अब क्या रिजल्ट आएगा मेरा? 169 3। ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, 1 2 3 आया। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। यस सो आज का टास्क आपका यही है कि ये पता करो कि ऐसा क्यों हो रहा है कोड लेवल पे। ठीक है, अब जो हम मेन पढ़ रहे थे जिसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज आया था, अब वो हम वहां पे चलते हैं। तो ये रहा वो फंक्शन, ये रहा वो पूरा कोड, ये था। ठीक है, कंपोज फंक्शंस के अंदर मैंने क्या किया था? तीन फंक्शंस बनाए थे, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ऐड, ये मैंने पास किया तो इसका 26 रिजल्ट आ रहा था। 26 रिजल्ट कैसे आ रहा था? जिस तरीके से मैंने ये फंक्शंस में आपको एरे पास करके दिया था, और वो एरे क्या कर रहा था? हर एक एलिमेंट के अंदर, पैरामीटर के अंदर आपके आर्गुमेंट्स को स्टोर कर रहा था। उसी तरीके से मैंने फिर से पास किया सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ऐड, जो कि यहाँ पे जाएगा कंपोज के अंदर, वो स्प्राइट्स होंगे, इनपुट के अंदर जाएगा रिड्यूस राइट। सो फंक्शन डॉट रिड्यूस राइट एक मैथड होती है जो कि आपको राइट टू लेफ्ट फंक्शन को कॉल कराती है। ठीक है, प्लस उसकी वैल्यू के साथ। ये ACC है, ये फंक्शन से ACC के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी जो हमने यहाँ पे पास कर रखी है 7। फिर इसके बाद हर एक फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। सो अगर मैं 7 डालता हूँ तो सबसे पहले ऐड चलेगा, 7 + 5 होगा मेरा 12, 12 × 3 होगा मेरा 36, 36 - 10 होगा 26। ठीक है, सो जब मैं इसे रन करूंगा तो आपको 26 रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया राइट टू लेफ्ट। अगर मुझे लेफ्ट टू राइट चलाना है तो मैं सिंपली लिखूंगा रिड्यूस। तो इसने मुझे -4 ला के दे दिया।
तो सबसे पहले क्या होगा, 7 माइनस 10 माइनस 3, -3 इंटू 3 -6, -6 +5 4, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। सो अगर ये लेफ्ट से चलेगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, ठीक है। 7 माइनस 3 क्या होगा, -3, -3 इंटू 3 होगा -9, -9 +5 होता है -4। समझ में आया ये क्या हुआ है, कंपोज फंक्शंस क्या होते हैं। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा आपको। कोई डाउट है इसमें, कैसे क्या चीजें वर्क कर रही हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक जी सर, है। पक्का समझ में आया ये वाला फंक्शन, कंपोज ये वाला समझ में वाला आया। आ गया ना, ठीक है। नहीं आया होगा तो आप डाउट्स पूछ सकते हो। पर जो अगेन एक टू टाइम्स एरो फंक्शन देख लिया हुआ है, फर्स्टली स्प्रेड ऑपरेटर के लिए, फिर जो उसमें उसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर प्लीज। ओके, सो देखो क्या हुआ है। फर्स्ट हमारा फंक्शंस हुआ है, फंक्शन लिखा है हमने ये, ठीक है। सर ये जो स्प्रेड फंक्शन है वो कंपोजिशन फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं ना। यस, वो कंपोजिशन फंक्शंस को डिनोट कर रहा है जो हमने पास कर रखे हैं। यस सर। देन इसके बाद हमारे पास एक इनपुट गया है, यस यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पास करने के लिए आगे 1 बाय 1, ठीक है, एज अ सब्ट्रैक्ट। जिस तरीके से यस हमारा एक पैरामीटर होता है एक्स, और हम उस एक्स की वैल्यू के यस ऊपर यस इटरेट करते हैं, उसी तरीके से एक इनपुट है, ठीक है। देन हमारे पास फंक्शंस आए, यस एक एक करके फंक्शन ये आएंगे, फंक्शन रिड्यूस इसको डिनोट यस, करेगा। ये जो ये जो आपके सेकंड स्प्रेड हुए हैं फंक्शन ना, इनको जैसे एरे के एलिमेंट आपके स्प्रेड हुए थे 1 2 3 में, उसी तरीके से अलग अलग फंक्शंस आपके स्प्रेड होंगे, ठीक यस सर। है। ACC क्या होगी, आपकी वैल्यू होगी जो आपने यहाँ पे पास कर रखी है 7, और जो भी आप वैल्यू रिटर्न होगी यस नेक्स्ट फंक्शन से वो, और फंक्शन आपका उसका नेम रहेगा। यस ओके सर। ओके, सो ये एक टाइप है यस सर। फंक्शंस का कि आप कंपोज करके भी यूज कर सकते हो फंक्शंस। अगर आपके कोड में यूज आता है तो आप ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्स का पार्ट है, आपको आना चाहिए। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करेगा तो आपको बनना चाहिए कि कंपोज फंक्शन क्या होते हैं। यस ओके फाइन, सो ये पढ़ के आओ, एंड क्लोजर्स पढ़ के आना, कल क्लोजर फंक्शंस क्या होते हैं, यस सर। एंड सर क्लोजर्स इससे के रिलेटेड साथ कुछ टास्क भी मिलेंगे प्रैक्टिकली। इसके रिलेटेड। हाई ऑर्डर फंक्शन एंड स्प्रेड ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन में जाते तो बेटर हो जाता। हाँ ओके, मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा। ओके सर।
तो दो तीन टास्क है, ये जो आपको फंक्शंस बताए इस पे मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा असाइनमेंट के, ठीक है। यस वेयर इज प्रियांशु, ओके लीव कर दिया उसने। फिर वो बोलेगा कि मुझे क्वेश्चंस नहीं पढ़े मैंने, ठीक है। सो जो क्वेश्चंस बचे हुए थे जो आपने पढ़ नहीं रखे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस शेयर करना, सो वो डिस्कस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, बट ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो 10 to 15 ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो 40 के 40 क्वेश्चंस आप दे दोगे, ठीक है, 10 to 15 ही होंगे वो। तो डिसाइड कर लो कौन से 10 to 15 है आपस में, तो ये डिसाइड ओके करके मुझे एक लिस्ट दे दो। और जो आपके तीन टास्क है, एक तो आपको ये पता करना है कि वो कॉपी में कैसे चेंज हुआ था और ऐसा क्यों हो रहा है अगर एरे में वेरिएबल में स्टोर करके फिर कुछ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। देन दूसरा टास्क है आपका कि आपको फंक्शन पढ़ना है, क्लोजर फंक्शन और लेक्सिकल एनवायरमेंट क्या होता है ये पढ़ना है किसी फंक्शन का। ओके सभी को क्लियर हो गया है क्या करना है? यस सर, यस सर। ओके सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, इसके आगे करेंगे। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे। सेम टू यू सर। थैंक यू सर। Thank you.